स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आई होप यू ऑल हैव कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 8, आवर क्लाइमेट, यानी इंडिया का क्लाइमेट। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 पे, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मैंने आपको उधर चैप्टर में आखिरी में बताया था कि जो जंगली एरिया है और कैसे उसका बढ़ावा हुआ, क्या उधर कैसे लाइफ नेचुरली जीते हैं, ये सब आपको इस चैप्टर में मैं बताऊंगी कि इंडिया में वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैसा है। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। ये आपको एक फोटो दिख रही है नेचुरल वेजिटेशन की, जिसे वाइल्ड लाइफ आपको नजर आ रही है। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड मीन्स जंगली, लाइफ मीन्स जंगल में, लाइफ में जिंदगी मतलब जंगल वाली जिंदगी है ना, वाइल्ड लाइफ। तो ये वाइल्ड लाइफ में जीने वाले जानवर हैं और उसकी खूबसूरत सी तस्वीर है। यहाँ पे आपको उनकी डेफिनेशन, जस्ट यू कैन सर्च वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन। आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस वन, तो आई कांट एक्सप्लेन यू नाउ। हाउ यू एवर नोटिस द वेरिड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, आपको बताना है कि आपने नेचुरल वेजिटेशन को में क्या वेरिएशन नोटिस किया है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। डू इट योर सेल्फ। हियर वी गो विद द वन फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। ऐसे क्या फैक्टर हैं जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन को नुकसान पहुँचाते हैं? तो पहले आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। इंडिया एक यूनिक सब कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे जियोग्राफिकल एरिया है, टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सब कुछ यहाँ का अलग है, तो यहाँ का वेजिटेशन भी बहुत अलग है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब, ये तीन क्या है? नेचुरल वेजिटेशंस है। और जो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स है, ये वाइल्ड लाइफ के, मैमल्स के या बर्ड्स के, इंसेक्ट के, रेप्टाइल्स के, एम्फीबियंस के, ये सब की रहने की जगह है। ठीक है, ये जो हमारे श्रब्स है, फॉरेस्ट है मेनली, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, श्रब्स, जो छोटी छोटी घासें होती हैं, ग्रासलैंड्स, जो ग्रीनरी वाला एरिया है उसे कहते हैं। फॉरेस्ट जंगल है आपको पता है, बर्ड्स माने पता है, इंसेक्ट्स यानी पता है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं, रेप्टाइल्स जो सिर्फ घास फूस पे रहते हैं, जैसे छोटे मोटे कीड़े, सांप हो गया रेप्टाइल में। और यहाँ पे आपको जो मेन फैक्टर्स है क्या अफेक्ट करते हैं हमारे वेजिटेशन को, रिलीफ और क्लाइमेट। रिलीफ यानी जो सोर्स है, लैंड और सॉइल क्या है उसके दो मेन सोर्स, और क्लाइमेट, जो क्लाइमेट उसको एडवर्सली इफेक्ट करता है, ये दोनों में जो चेंज आता है वो हमारे यहाँ पर अफेक्ट करता है वेजिटेशन में। और इन सब में जो चेंज आता है क्लाइमेट में मेजरली, तो वो भी हमारे वेजिटेशन में अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे डेंस वेजिटेशन इज फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एज कम्पेयर टू द एरियाज विथ लेस रेनफॉल। डेंस वेजिटेशन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर हैवी रेनफॉल होते हैं, कंपैरिजन टू लेस रेनफॉल मतलब कम रेनफॉल वाली जगह पर वो नहीं हो सकते, नमी वाले वेजिटेशन, डेंस यानी नमी। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑल्सो अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो टेम्परेचर से भी प्रभावित होते हैं, जैसे कि वेजिटेशन कवर्ड चेंजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल रीजन्स। जो टेरेंस है, रफ टेरेंस, टेरेंस ग्लासलैंड जो वुडलैंड्स में होती है वो भी जनरली एग्रीकल्चर में डिवोट करती है। फिर द हिल स्लोप्स, ये ऐसे जो हिल्स रहते हैं, हिल्स के कारण भी क्या होता है, वेजिटेशन चेंज होता है, ऑफकोर्स चेंज होगा क्योंकि यहाँ ऊंचाई पे जाते रहते हैं, टेम्परेचर लो होते जाता है, कोल्डर वातावरण होते जाता है, तो रहने के लिए वहाँ पर वही जानवर सर्वाइव कर सकता है जो अच्छी मोटी खाक वाली चर्बी का हो, या फिर उसकी जो स्किन हो बहुत ज़्यादा फर वाली हो, तो वैसे जानवर ऊपर रह पाते हैं। तो ये वेजिटेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। फिर कैक्टस, थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल है, रेगिस्तान है, वहीं पर आपको ये जो कांटे वाले बुशेस और थॉर्नी यानी कांटे, कैक्टस पता है आपको, तो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। तो ये भी है कि जहाँ पानी नहीं होता वहाँ भी अलग तरह की प्रजाति या वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो हर जगह की एक अपनी एक स्पेशलिटी है। वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेडिजियस फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन, थॉर्नी बुशेस और डेजर्ट वेजिटेशन। ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वेजिटेशन इंडिया में किस किस टाइप के होते हैं, यानी सदाबहार जो वेजिटेशन, यानी सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हर मौसम में हरा भरा रहता है, ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट। डेसीडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है? डेसीडुअस यानी बोल सकते हो आप मौसमी, के मौसम में यहाँ पे सब कुछ होता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट जिसको मेनली
मेंस एरिया में जो कवर्ड है उसको मैनग्रोव बोलते हैं. माउंटेन वेजिटेशन, आपको नाम से पता चल गया माउंटेन्स के ऊपर से जो होके आ रहा है वो वेजिटेशन. वो थॉर्नी बुशेज और डेजर्ट, जहाँ पे सूखा है फिर भी वहाँ पे वेजिटेशन हो रहा है. ठीक है, सूखे में क्या, जैसे रेगिस्तानों में कैक्टस, कैमल, ये सारे क्या है, वहाँ के वेजिटेशन ही तो है, वाइल्ड लाइफ वहाँ पर रह रही है ना. तो अब ये मत बोलना कि आपको पता नहीं कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो कैक्टस को भी हम वाइल्ड लाइफ में काउंट कर सकते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को समझते हैं. ये इधर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, हैवी रेनफॉल भी होता है, और दिस ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एज दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. इस इन पेड़ों का जो पत्ते हैं वो कभी नहीं झड़ते, मतलब पूरे साल आप जब भी इधर आओगे तो आपको पत्ते वाला ही पेड़ मिलेगा हरा भरा. द ट्री फ्रॉम्स अ कैपोनी कैनोपी विथ देयर लार्ज एंड ब्रॉड लीव्स, इट प्रिवेंट्स द सनलाइट इन लीव. यहाँ क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर बड़े बड़े पत्ते हैं और घने घने जंगल्स हैं, तो इन जंगल के कारण नीचे तक सनराइज नहीं आ पाती, यानी सन की किरणें नीचे तक नहीं पहुँच पाती है, ऊपर की जो पेड़ की जो जगह है वही उसको ढक लेती है पूरे फॉरेस्ट को. तो ये आपको घना जंगल बोलते हैं ना, तो वहाँ पर आपको रोशनी बहुत कम देखने मिलेगी. सो एग्जाम्पल है इसकी आपको महागोनी, रेसोवुड, साल, टीक, बैम्बू, रीड, ये सब एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है. ये मतलब जिस जगह धूप नहीं आती वहाँ ये सब हो रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, तो ये इस चीज़ को लेकर बता रहा है. और यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है वो टाइगर, लेपर्ड, एंडेंजर्ड वन हॉर्न राइनासोर्स काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है वहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ब्लैक बियर्स, हॉर्न बिल्स, पैराकिट्स एंड सॉन बर्ड्स, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज डेसीडुअस फॉरेस्ट. डेसीडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है, ये आपको ये जो दिख रहा है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लेयर्स है ट्रॉपिकल की, के इमर्जेंट लेयर है, कैनिपो लेयर है, अंडरस्टोरी लेयर है, फॉरेस्ट लेयर फ्लोर है, फॉरेस्ट का ये फ्लोर है. और ये देखो ये ऐसे ऐसे चिपकी चिपकी रहती है कि यहाँ पर धूप नहीं, ये तो बहुत दूर दूर दिखा दिया लेकिन पेड़ और चिपकी चिपके यहाँ पे रहते हैं. फिर है ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट, इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि ये सीजन्स के वाइज चलते हैं, जब सूखा पड़ता है तो ड्राई, जब हरा भरा होता है तब बिल्कुल खिल उठता है. ऐसे फॉरेस्ट आपको मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में देखने को नॉर्मली मिलते हैं. फिर यहाँ पर कौन कौन सी ट्रीज होती है, तो यहाँ पे साल, टीक, पीपल, नीम और शीशम, इसकी ट्रीज आपको मिल जाएगी. वाइल्ड लाइफ यहाँ पे कौन सी एग्जिस्ट करती है, टाइगर, लेपर्ड, एसेटिक एलिफेंट, जैकल्स, हाइगन्स, डियर, चीता, नीलगाई, ये आपने सुना होगा अपने मध्य प्रदेश में है, कोयल्स एंड फ्लाई कैचर्स, ये आपको सर्च करो आप पता चलेगा ये फ्लाई कैचर्स क्या है. मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट होते हैं हमारी कंट्री के लिए. क्यों, क्योंकि ये फॉरेस्ट है कोस्टल रीजन्स में, जैसे टिडल फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, जहाँ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. अब आप ये मत सोचने लगना कि सूखा नहीं भैया, सूखा वेट बोल दिया तो सूखा लैंड नहीं है ये, अभी आपको आगे पता चलेगा. सूखा यानी तो वो हो जाता है रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान में अपन डेजर्ट वाले को बोलते हैं. ये वाले कहते हैं, ये वाले सॉइल में इरोजन बनाने के लिए काम आते हैं, क्योंकि ये जो मेनली ये पौधे होते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट. ये सुंदरबन देखा है आप लोगों ने, सुंदरबन सुना होगा, डिस्कवरी में देखा होगा. सुंदरबन की क्या है, आसपास आपको दिखता है कि पानी के अंदर बहुत सारी झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो वो वाला फॉरेस्ट जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट कहलाता है. यानी वहाँ पर मैन भी ग्रो होते हैं और उसके साथ साथ फॉरेस्ट भी, तो वो जो फॉरेस्ट है वो पानी के अंदर मिलता है आपको, तो वो पानी के अंदर जितनी भी चीज़ें उगती है. तो जैसे आपको पता है कि ट्रीज़ की जो नीचे की ऐसे वाली जो जड़ें रहती है वो पानी को पकड़ देती है और पानी को बहने नहीं देती उस जगह के, तो ये वाली ट्रीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है. ये ज़्यादातर आपको सुंदरबंस, देखो मैंने आपको सुंदरबंस बताया था मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, डेल्टा कृष्णा रिवर के पास, गंगा ब्रह्मपुत्र, ये सारे रिवर्स के नाम भी मिलेंगे यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्स में ही होता है. और इसकी जो मेन ट्रीज होती है उसको सुंदरी बोलते हैं, सुंदरी. महुआ मैनग्रोव फॉरेस्ट है. यहाँ पे रिच वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी मिलती है, टाइगर, लेपर्ड, चीटल, किंगफिशर्स, स्टॉक्स. अब आप ये मत बोलना कि मैम टाइगर कहाँ रहता होगा, जमीन पर रहता है वो, पेड़ पर नहीं रहता, ठीक है. यहाँ पर मेनली इस एरिया में पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम यहाँ पर लिख दिया है. किंगफिशर्स तो ये फिश के नाम है जो यहाँ पानी में आपको मिल जाएगी. ये मैनग्रोव फॉरेस्ट की आपको पिक दिखाई है. माउंटेन वेजिटेशन,
माउंटेन के आसपास है, क्लाइमेट उसका माउंटेन के जैसे रहता है। बहुत ही खूबसूरत आपको ये दिख रहा है, पहाड़ी इलाके पे एक फॉरेस्ट, बहुत ही शानदार। तो ये जगह है जो आपको माउंटेन पे मिलेगी, माउंटेन वेजिटेशन, माउंटेन्स पे जो भी एल्टीट्यूड पे, हाई टेम्परेचर पे, और सॉरी एल्टीट्यूड पे माउंटेन पे जो पाया जाता है, हाई तो नहीं होगा टेम्परेचर, वहाँ लो ही होगा। ट्रॉपिकल डेसिडियस, अगर वो 1000 मीटर के ऊपर है तो वहाँ ट्रॉपिकल डेसिडियस बोला जाता है, जिसका एग्जाम्पल बैम्बू और सल है। और सब ट्रॉपिकल यानी वहाँ 1800 के बीच में मीटर रहेगा, जहाँ पे चेस्टनट और ओक। ये बताओ आपकी कितनी कुदरती चीज़ है कि बताओ, ऐसे नेचर भी हमको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सब वहीं उगता है, ये सब वहीं उगता है, यानी आपको इनकी भी कितनी ज़रूरत है। कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मौसम अच्छा नहीं है, वो मौसम अच्छा नहीं, सबकी हमें इक्वली ज़रूरत है। वैसे ही ये वेजिटेशंस की देख लो आप। कॉनी फॉरेस्ट क्या होते हैं? कॉनी फॉरेस्ट बोल सकते हो आप, एकदम खड़ा स्लोप रहता है, ऐसा पेड़ तो है इस पे भी, ठीक है। इसमें बताए एक खासियत क्या रहती है कॉनी फॉरेस्ट की, कॉनी फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है वो 3500 मीटर की ऊंचाई पे रहते हैं, पाइन और देवदार यहाँ पर मेन होते हैं। तो इधर क्या होता है कि जब भी स्नो गिरती है ना, तो ये पेड़ पर टिक नहीं पाती, क्योंकि बहुत खड़े स्लोप पे हैं, तो पेड़ से नीचे गिर जाती है। तो इसकी जो ट्री है ना, वो बहुत लंबे टाइम तक जीती है, क्योंकि देखो बर्फ़ की वेट के कारण क्या होते हैं, ट्रीज गिर जाते हैं, लेकिन कॉनी फॉरेस्ट में नहीं टिक पाती बर्फ, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की। फिर अल्पाइन, अल्पाइन क्या होता है? मेडियो, ये 4400 मीटर के ऊपर होता है, ग्रासेस और श्रब भी मिलेगी यहाँ पर, कोई पौधे नहीं होंगे। यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, यहाँ पे शोला फॉरेस्ट जो तमिलनाडु में है, ये इसी का एग्जांपल है। वाइल्ड लाइफ, स्नो लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स, यहाँ सब ठंडी वाले जानवर मिलेंगे, क्योंकि माउंटेन्स पे जो बहुत ज़्यादा मोटे चमड़े वाले वो ये जानवर टिक पाते हैं। तो ये स्नो लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स, एलिफेंट, हिमालय, ब्लैक बेयर्स, ये सब इधर पाए जाते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट, कांटे वाले, कांटेदार, और डेजर्ट वेजिटेशन। तो डेजर्ट वेजिटेशन आपको पता है कि ये कहाँ पाए जाने होंगे, जहाँ पर रेगिस्तान होगा, जैसे मोस्ट प्लांट्स यहाँ पे शॉर्ट होते हैं, शंटेड होते हैं, कांटे वाले होते हैं, यहाँ पर लेस रेनफॉल होती है, कॉमन बात है, आपको पता है रेगिस्तान की खासियत। राजस्थान में होती हैं, पंजाब में कुछ पार्ट में ऐसा है, हरियाणा के, डेक्कन प्लेट्यू के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, और यहाँ पर ज़्यादातर क्या होते हैं, किकर, बाबुल, एशेशिया, कक्टी, और यहाँ पे ये सब आपको मेनली कैनल्स जो है, कैमल्स यहीं सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वो बहुत दिन तक पानी अपने मुँह के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ आते हैं हम एक्सरसाइज पे, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। गुड बाय ऑल ऑफ यू।